हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की स्टूडियो में स्टार्ट करें अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, कल कुछ अच्छे क्वेश्चन थे अपने लेक्चर में, ठीक है। तो आज और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो आपकी प्रैक्टिस को और भी अच्छे से बनाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चनों को पहले आप खुद से ट्राई करें, बाद में आप सॉल्यूशन चेक करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को। क्या बोला कि कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखो कल मैंने क्या बताया था, पूरा बेसिक तरीके से सोल्व करना बताया था, राइट। तो आज के वीडियो में हम उसको लेवल को भी लेंगे, साथ में वैल्यू पुट किस तरह से करेंगे, क्या वैल्यू पुट करें ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आंसर भी निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से हम आंसर निकालेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो बोला है कि ये आपके पास कैलकुलेशन दी गई है और इसकी वैल्यू 4 है, और जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है, लेकिन 0 और 90 आपका नहीं है, राइट। तो वैल्यू बताने की इसकी टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की, ओके। तो चलो करते हैं बेसिक सा सोल्व अपने आप इस क्वेश्चन को। तो 1 मिनट, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, देखो आप अगर मैं इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कोस थीटा तो ऊपर सोल्व हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, दोनों प्लस के हैं। और यहाँ पर जो आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, राइट। और नीचे क्या आएगा आपका, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीपल विद 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेके सोल्व किया है, ठीक है, इजिकल टू 4 बोला है, राइट। तो यहां से साइन कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। और आगे क्या है, 2 cos थीटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू 4 है तो ये 2 से चला जाएगा 2 पर। आगे सोल्व करेंगे इसको, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कोस थीटा बटे नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। हमें फार्मूला याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा, राइट। तो ये तो पूरा बेसिक सा क्वेश्चन था, पावर 1 से 1 पावर कटी। तो यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा कितना आया, 2, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो cos की किस वैल्यू पर 1/2 होता है, आपको पता है cos 60 पर होता है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, ठीक है, अगर आपने अच्छे से टेबल चेक की होगी तो, ओके। तो इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा, बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10 60, राइट, प्लस कोसेक 60, ये वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 10 60 की वैल्यू आपको पता होगा √3 होता है, प्लस में कोसेक 60 की वैल्यू आपको पता होगा 2 अपॉन √3 होता है, राइट। सोल्व करेगा तो ये ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, 5/√3 नहीं है। चलो फिर क्या करते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऊपर नीचे, तो 5√3/√3, ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको पूरा बेसिक सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि इसको हम बेसिक वे में कैसे सॉल्व करें, ये हम चेक करेंगे वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है वैल्यू पुटिंग में। आपके पास 4 वैल्यूज होती हैं, सॉरी 5 वैल्यूज होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 वैल्यूज आपके पास होती हैं, राइट। लेकिन इसने क्या बोला कि 0 को नहीं लेना और 90 को नहीं लेना, राइट, 0 को नहीं लेना और 90 को नहीं लेना, ओके। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ऑप्शन मैच कराना है, ठीक है। हाँ, अगर
वैल्यू पुटिंग से अगर ऑप्शन मैच मतलब एक या दो पुटिंग वैल्यू पर ऑप्शन मैच कर गए, अलग अलग ऑप्शन मैच कर गए, तो फिर हम उसमें पुट करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको सीधा सिंपल सॉल्यूशन है कि यहाँ वैल्यू पुट करो। देखो 30 पुट करे, इसमें 30 पुट करे, पहले सॉल्यूशन में जो आपसे पूछा गया उसमें 30 पुट कर लेते हैं कि 10 30 प्लस कोसेक 30। देखो 60 की वैल्यू तो दे दिया हमने, 60 की वैल्यू तो यहाँ यहाँ से निकाल ली। ओके तो 10 30 कितना होता है 1/√3 प्लस में कोसेक 30 कितना होता है 1/2। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2√3 और 2 प्लस √3। क्या ये मैच कराएगा आपका आंसर? नहीं, ऑप्शन मैच नहीं कराएगा। तो बेशक से आप क्या कर लो कि 2 प्लस √3, √3 को मल्टीपल ले लो, ठीक है। वो क्यों लिया बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि रूट जो रूट है ना वो हमें नीचे नहीं लेना, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये आपका 2√3 प्लस में 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 6। क्या ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से ये 30 की वैल्यू कट जाएगी और 45 की भी कट जाएगी, सिर्फ एक वैल्यू बचेगी 60 पर, और आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करना पड़ेगा वो। बाकी के सारे क्वेश्चन हम इस वे में सोल्व करेंगे, तो घबराना मत। हाँ अगर आप चाहोगे तो बेसिक से भी सोल्व करेंगे, लेकिन बेसिक से तो हम सोल्व करेंगे क्योंकि आपके फार्मूले वगैरह आइडेंटिटीज वगैरह लगने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 cos², 3 + cos²θ, 3 cot²θ, sin²θ, और वैल्यू किसकी निकालनी? cos θ sin θ। तो सबसे पहले वैल्यू हम किसके निकालते हैं? यहाँ 0 से 90 के बीच में 0 नहीं लेना, 90 नहीं लेना, तो 3 एंगल लेना है। कौन कौन से? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। और तीनों वैल्यू पर हम इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो cos 30 कितना होता है? पहले थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 ले लो, सोल्व करो। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको पता है cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, राइट। और 2 sin 60, सॉरी 30 ना प्लस में 2 into sin 31/2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया? √3 + 1/2। क्या ऑप्शन में मैच करा रहा है ये? क्या ये ऑप्शन में मैच है? √3 + 1/2 आई थिंक नहीं है। और चेक करें 45 पर चेक कर लें, अब की बार थीटा इज इक्वल टू 45, तो cos 45 कितना था? 1/√2। और sin 45 भी कितना था? 1/√2, 2 into 2/√2, √2 से कटेगा तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2 1 + 2 3 √2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। क्या ये सॉल्यूशन है आपका? नहीं है, ठीक है। और बाकी चेक कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा 60 की वैल्यू है तो cos 60 कितना होता है? 1/2, राइट, प्लस 2 into √3/2, राइट, 2 से 2 कटा तो 1 + √3/2। ये क्या 30 और 60 वैल्यू सेम आ रही है अपने, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओके, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ये। ओके, सॉल्व करते हैं तो भाई बेसिक वे में सॉल्व करते हैं इसको एक बार। तो एक बार यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू पुट होगी। देखो 30 और 60 बराबर है तो हम 45 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 पुट करें तो ये आपका 60 पुट करेंगे तो 3 cos 60 कितना होता है? √3/2, सॉरी 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 3। cot 60 कितना होता है? 1/√3, तो इंटू में 1/3 हो जाएगा। प्लस sin 60 कितना होता है? √3/2 प्लस में 3/4। ओके, इसको कैलकुलेशन करो, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7/4 इज इक्वल टू 7/4 इज इक्वल टू 3 गुना एलसीएम कितना हो गया? 12। 4 + 9 कितना हो जाएगा? 4 + 9 13, ठीक है।
ठीक है भाई, गलती ओके समझ आ गलती समझ आ गई, कहाँ गलती है। ठीक है तो 60 वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी इसके लिए। देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 मान लूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 मान लूँ ऊपर वाली फॉर्मेशन में, ठीक है इसमें, तो 3 प्लस cos 60, cos 60 आपको पता है 1/2 देता है, 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा। इधर 3 गुना क्या होगा कि 1/3, 3 सॉरी cot 60, cot 60 1/√3 देता, तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 प्लस sin 60, sin 60 कितना देता है, √3/2 देता, और इसका स्क्वायर करोगे 3/2 दे देगा। ठीक है यहाँ पे देखो मैंने 7/4 लिख दिया था, ये सबसे बड़ी गलती करी, यहाँ पर आना था कितना, 4 3 12 और 1 13/4। इधर भी आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो 3 ये आपका ये 4 आएगा भाई, 4 3 12 और ऊपर 13/4 12। ठीक है और ये आपका 3 गुना, 3 से ये 4 आ जाएगा, तो दोनों तरफ कितना आ गया, 13/4। तो 60 वैल्यू पुट करो और 60 पे आपकी ये वैल्यू दे रखी कि ये वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है वैल्यू, शायद मिस प्रिंट होने की वजह से, या तो ये इधर 1 आएगा या फिर इसके इधर 2 नहीं आएगा। ठीक है कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए एक तो मिस प्रिंट था ऑप्शंस और दोबारा मैंने कैलकुलेशन गलत की। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि 12 cot² θ -31 cosec θ +32 = 0, एंगल ये है और sin θ की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ऑप्शंस को कैसे चूज करें, इसमें मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ ऑप्शन सॉल्व करने का, राइट। देखो कैसे, sin θ क्या कहता है अपने आप में, P/H कहता है, राइट। और H जो होता है वो P से बड़ा होता है, एच जो होता है वो पी से क्या होता है, बड़ा होता है। P/H, और एच जो होता है वो पी से क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। तो इसका मतलब जो नीचे वैल्यू आएंगी वो हमेशा बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है ऊपर वाले से। यहां पर ऊपर छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी, तो ये तो हो गया गलत ऑप्शन। देखो कितना आसान है यहां पर, और आप देखोगे यहाँ पर 3 वैल्यू बड़ी है और 2 वैल्यू छोटी है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा, दो ऑप्शन आपको राइट कट हो गए, राइट। अब देखना बी और सी में कौन सा मैच हो जाए, राइट। तो अब हमें ये पता लगाना है, अब पता कैसे लगाओगे, तो चलो बना लेते हैं क्या ट्रिपलेट वगैरह जो भी है बनते होंगे, और वो मैच करनी चाहिए अपने आप में। ठीक है देखो यहाँ पर 4 वैल्यू अलग अलग दी गई हैं, तो 3 2 और 3 का स्क्वायर 9 -4 √5, क्या √5 कनेक्ट कर रहा है, √5 कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब वो ट्रिपलेट सारे अगर मान लो 2/3 है, और अगला कोई ना कोई वैल्यू इसमें कोई ना कोई वैल्यू √5 आनी थी, ठीक। अगर कुछ कुछ वैल्यू रूट अरे कुछ नहीं आनी थी, ऊपर √5 आती तो आपका राइट आंसर था, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। टेंशन मतलब समझाऊंगा। अब इसमें आप देखो कि 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आया, 25 -4 25 -16 9, 9 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना 3, ये देख लो ऊपर है, तो इसका मतलब ये आंसर अपना राइट होना चाहिए। टेंशन मतलब मैं बेसिक भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी अच्छे। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया तो आप खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो आप। अगर ये 90 डिग्री, ये अपना एंगल थीटा है, और ये एंगल क्या कितना हो जाएगा, 90 -θ हो जाएगा, राइट राइट। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, तो यहां 3 और 4 अलग अलग दो क्या दे रखे अपने पास, लाइन दे रखी, ठीक है ओके 3 और 4, ठीक है।
अगर मैं तीन और चार ये लाइनें ले लेता हूँ तो ये पांच आनी थी। ओके, तो इस वजह से तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा था, इस वजह से गलत हो गया। और ट्रिपलेट की, अगर ट्रिपलेट रूट पांच के साथ ही बनाता तो यहाँ पर वन की जगह या चार की जगह रूट पांच अपना जरूर आना चाहिए था, राइट। अब देखो, अब साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये वैल्यू साइन थीटा है, राइट, जो कि 4/5 देगा, ओके। अब 3/4 ये कहाँ से आए, ये अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन छाटना जरूर आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बेसिक तरीके से। तो देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन बेसिक तरीके से सॉल्व होगा या नहीं होगा, ओके। तो बाकी रेशियो थ्योरम, रेशियो प्रॉपर्टी से तो हमने सॉल्व कर लिया। तो 12 कोट स्क्वेयर थीटा कितना होता है? 12। तो कोट स्क्वेयर थीटा और कोसेक थीटा का आपको आइडेंटिटी याद होंगे कि कोसेक स्क्वेयर थीटा इज माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, राइट। और कोट स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन माइनस 31 कोसेक थीटा +32, ओके, 0। तो यहां से 12 कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 12 -31 कोसेक थीटा +32 इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व कर दो इसको, 12 कोसेक स्क्वेयर थीटा -31 कोसेक थीटा, और -12 32 में -12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +20 इज इक्वल टू 0। अब 12 × 20 करोगे 240, और 240 की कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो 31 सॉल्व करने पर 31 दे दे, ठीक है, प्लस माइनस करने पर। तो मतलब वो दो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में भी सेम चाहिए और प्लस माइनस में भी अलग अलग चाहिए। तो 31 सम माइनस डिफरेंस में बताना है, तो 31 240, अगर मैं 24 × 10 करो तो, और इन दोनों का प्लस माइनस करो तो नहीं दे रहा 31, ठीक है। फिर आपका 12 × 15, एक मिनट, 12 × 15, 12 × 20 आएगा भाई, ठीक है, 20 × 12 हो जाएगा, राइट। 15 से कट करेंगे, 15 × 15, 15 × 16। अब देखो, 15 और 16 का प्लस करोगे तो 31 दे रहा है, 15 और 16 को प्लस करोगे तो 31, और -15 को मल्टीप्लाई करोगे -16 से तो 240 देगा, ठीक है। तो ये अपना -15 -16 आ जाएगा यहाँ पर, 12 cosec² θ माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 cosec θ, ओके, और आपका -16 cosec θ अलग अलग हो गया, +20 इज इक्वल टू 0। इसका कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 cosec कॉमन आ जाएगा, कोसेक थीटा, और यहाँ पर 4 cosec θ -5 आ जाएगा। और दूसरी साइड में इन दोनों में से कॉमन निकाले, अब इन दोनों में से माइनस कितना कॉमन निकाले? 4 कॉमन निकाले, तो 4 cosec θ और -5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब कॉमन जो निकाला है, इन दोनों में से भी कॉमन निकालें तो कितना बचा? 3 cosec θ -4 इंटू में, इसको एक बार 0 का वैल्यू बराबर पुट कर दो, और दूसरे को भी 0 का बराबर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा इस ब्रैकेट से आ जाएगा आपका 4/3, राइट। और दूसरा कोसेक थीटा कितना आ जाएगा आपका दूसरी ब्रैकेट से? 5/4, ठीक है, 5/4, ओके। साइन क्या होता है? इसका उल्टा होता है, राइट। साइन क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ से जो साइन की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? यहाँ से जो साइन की वैल्यू आ जाएगी उल्टा हो जाएगी, 3/4 आ जाएगा। दूसरा साइन कितना आ जाएगा? दूसरा साइन थीटा कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये लो आपका बेसिक सॉल्यूशन, बिल्कुल दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
अब बोला कि आपके पास ये वैल्यू है और कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप एक बार एक छोटा सा काम कर लो, जीरो नहीं लेना, 30 लेना है, 45 लेना, और आपको क्या लेना है, 60 लेना है, ठीक है। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 1/√3, राइट। कोट 45 वन होता है, कोट 60 कितना होता है, सॉरी सॉरी, कोट 60 √3, 1/√3 होता है, राइट। कोट 30 होता है आपका √3, राइट, और कोट 60 कितना होता है, 1/√3। ओके, मतलब सॉल्यूशन जाएगा इनमें कुछ में। अब आप चेक करो कि ऑप्शन में वन नहीं है, ठीक है, राइट, ऑप्शन में √3 भी नहीं है, कट कर दो, और ऑप्शन में ये है, कैसे है ये, एक मिनट, ये तो भाई रेशियो से सोल्व होंगे, ठीक है, सॉरी, ये तो आपके रेशियो से सोल्व होने वाले, यहाँ थीटा वगैरह नहीं आने वाले यहाँ पर, तो क्योंकि कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, नहीं रेशियो से सोल्व होंगे। तो यहाँ पर पुट करके देखें, 30 60 जो भी वैल्यू पुट होगी, 30 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस, और cos 30 कितना आता है, √3/2, यहाँ से 3/4 आ जाएगा, नहीं देगा। 60 पुट करेंगे तो यहाँ से 2√3, 2 हट जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, और 15 1/4, ये क्या नहीं सोल्व हो रहा भाई, तो हम सिंपलीफिकेशन से ही सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। cos² थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा, अगर आपको फार्मूले याद है तो 15 × 1 − sin² थीटा हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा + 15 − 15 sin² थीटा इज इक्वल टू 7। 7 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा + 7 अंदर आ गया, माइनस का हो जाएगा तो 15 − 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। −15 sin² थीटा इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो क्योंकि साइन स्क्वेयर हमें प्लस का चाहिए, ठीक है। साइन चेंज किया, 15 sin² थीटा माइनस का 2 sin थीटा हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 8 कितना होता है, 15 8 आपका 120, ठीक है। दो दो 100 माइनस 120 मल्टीप्लाई आया, ठीक है। अब दो नंबर ऐसा चेक करो कि प्लस माइनस करके डिफरेंस आ जाए, मतलब एक नंबर तो आपका माइनस का पक्का है, ठीक है। इधर तो मैं देखता हूँ कि 12 और 10 के दो फैक्टर ऐसे बनाए जो आपके डिफरेंस 2 दे देगा, ठीक है। और ये आपका 12 बड़े वाला माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 15 sin² थीटा, तो यहाँ पर हम 10 रख देते हैं, प्लस का 10 sin थीटा, और इधर माइनस का 12 sin थीटा, और −8 = 0। फैक्टर निकाल लो तो यहाँ से कितना निकाल देंगे, 5 sin थीटा निकाल दें, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3 sin थीटा + 2, राइट। और इधर से 4 − 4 कॉमन निकाल देंगे तो 3 sin थीटा + 2। ओके, तो यहाँ से दो ब्रैकेट बने, एक तो ब्रैकेट आपकी 3 sin थीटा + 2 है, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, −2/3, और जो दूसरी है वो कितनी दे देगी, 5 sin थीटा − 4 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कितना दे देगा आपका, −4, तो 4 प्लस का हो जाएगा, √5 आ जाएगा। ओके, राइट। तो माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं, माइनस की वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो साइन थीटा अगर 4/5, अगर साइन थीटा अपना 4/5 है, तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। ओके, बी हमें निकालना है, 3 हो जाएगा, राइट। कोट थीटा कितना होता है, कोट थीटा कितना होता है, बी अपॉन पी होता है, तो 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है ऑप्शन को चूज करके, तो यहाँ अब मैं जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ ऑप्शन से कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसको टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे।
तो आप एक बार चेक करो, देखो हमने एंगल पुट किया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया अपने पास, ठीक है। तो अगर कोट थीटा आपका बी अपॉन पी है तो इसका मतलब बी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 4, तो यहां से आपने ट्रिपलेट निकाला, एच की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लो तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो यहां से 2 × 4/5 यहां पर आ जाएगा, प्लस में अगला कौन सा 15 गुना कोस क्या होता है, कोस आपका बी अपॉन एच, बी कितना है 3, यहां से 3/5 का स्क्वायर आएगा यहां पर, ठीक है भाई, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो यहां से 8/5 प्लस में ये आपका 25 हो जाएगा, 15 से ये आपका 3, 5 से 3, 5 से 5, ठीक है, 3 × 3 = 9/5, ये 9 ऑलरेडी है, 27/5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 35/5, 5 से कट करो तो 7, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन कोई पुट करके देख लो और आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, थोड़े लेंथी हैं लेकिन डिफिकल्ट भी आप कह सकते हो, लेकिन आपको जो सोल्व करना है वो आपकी प्रैक्टिस से सोल्व होंगे, ना कि बेसिक से, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे से सोल्व करना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करने की ट्रिक पता लगानी क्या सोल्व हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से 10 sec θ − 3 sec θ = +3 = 0 दे रखा है, और एंगल जो है वो 30 लेने हैं, 60 लेने हैं और 45 लेने हैं, और वैल्यू इसकी बतानी है, राइट। तो अपना पुराना ही तरीका है, 30 और 60 सीधा सीधा वैल्यू पुट, जहाँ जहाँ से आपको पूछा गया वहाँ वहीं पर पुट कर लेते हैं, तो sin θ 1/2, मतलब sin 30, सॉरी 1/2, हमने क्या वैल्यू ली, θ = 30 यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ लूंगा तो sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, प्लस में cot 30 कितना हो जाएगा √3, क्या इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, नहीं ये आंसर शायद मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ भी यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं, 45 पे पुट करो तो 1/√2 तो आ जाएगा, 1 प्लस में 1 आ जाएगा cot 45, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 + √2 / √2, ओके। आगे नीचे कोई भी रेशनल लाइन वो सॉरी स्क्वेयर रूट नहीं है, तो इसको हम आगे कर देते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 + √2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है, नहीं। थीटा की वैल्यू 60 पुट करो इसी में, थीटा की वैल्यू अगर 60 पुट करोगे तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस में cot 60 कितना होता है, 1/√3 होता है, सोल्व कर लो, √3 √3 आपका 3 3 हो जाएगा, प्लस 1 4/√3 आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 2, और √3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 2√3/3, क्या बात, कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है आंसर, कुछ तो होना था, सॉरी यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, मैं बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ये कैलकुलेशन मैंने गलत की है यहाँ पर, ठीक है, चेक करोगे कि √3 एलसीएम लिया था मैंने, तो एलसीएम को मैंने कंप्लीट नहीं लिया, ठीक है, एलसीएम को मैंने कंप्लीट सोल्व नहीं किया, तो 2√3 आ गया, यहाँ से 3 + 1 कर दिया, लेकिन 3 + 2 होना था, 5 होना था, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट, और तो ऊपर कितना 5√3/2 में 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 5√3/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ओके, आपको वैल्यू पुट करनी है सीधा किस में, जो आपसे पूछा गया, हमने इसको पढ़ना भी नहीं, इस इक्वेशन को पढ़ना भी नहीं, ठीक है, आपको जब पढ़ना है, जब वो आपके इक्वेशन में दो वैल्यूज में अगर सेम वैल्यू दे दो, ठीक है, ओके, जब हमने ये इक्वेशन पढ़नी है, नहीं तो हमने ज्यादातर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको अब बेसिक तरीके से सॉल्व करा देता हूँ मैं, यहाँ पर 10 sec θ, 10 sec θ एक्चुअल में क्या होता है कि आपका sec
थीटा माइनस वन होता है राइट। तो इस क्वेश्चन को आप समझना बेसिक तरीके से करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो इन दोनों के मतलब ये जो आइडेंटिटी है ये आपस में फेस बदल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थ्री सेक थीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस थ्री सेक थीटा प्लस में टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ से वन इंटू टू आना चाहिए, मल्टीप्लाई में टू आना चाहिए और प्लस का टू, और रूट ये आपका तीन क्या होगा, माइनस का आना चाहिए। कुछ ऐसा डिफरेंस हमें निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टू इंटू वन राइट, और माइनस का है तो दोनों के दोनों माइनस का ले लेते हैं, जब भी प्लस आएगा ठीक माइनस का वन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन आगे ले लेता हूँ, तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। इधर आपका माइनस का टू सेक थीटा प्लस में टू, क्योंकि हमें वो वैल्यू आगे पीछे रखनी होती जो सिमिलर दिखाई दे। पहले में इसमें हम कॉमन निकालें तो क्या आएगा, सेक सेक थीटा आएगा कॉमन, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस वन। दूसरे में अगर हम टू कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा माइनस वन इजिकल टू जीरो। यहाँ से दो ब्रैकेट बने हैं, एक तो सेक थीटा माइनस वन की और दूसरी कितने बने, सेक थीटा माइनस टू की, राइट। दोनों के जीरो के इक्वल पुट करो तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले में से वन आ जाएगी, दूसरे में से दो आ जाएगी, ठीक है। तो वन कहीं पर भी हमें हमें वैल्यू नहीं देता सेक थीटा, तो इसको तो कट करो, टू दे देगा। टू कहाँ देगा, सेक थीटा, सेक कितने पे देगा ये आपको, 60 पर, ओके। सेक 60 की वैल्यू यहाँ पर टू है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 60। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने 60 पुट की थी जब अपना आंसर आ गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ओके। ये ऑप्शन कट कर दो अगर ये मैच ही नहीं कर रहा तो, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ओके। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।